दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विधवा पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले में उसने कहा है कि 60 साल की आयु के बाद नहीं मिलेगी विधवा पेंशन। क्या दोस्तों यह पेंशन 60 साल की उम्र तक मिलने के बाद बंद हो जाएगी या इस पेंशन में कोई बड़ा बदलाव किया गया है, तो यह जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे विधवा पेंशन में किया गया बड़ा बदलाव। दोस्तों हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने विधवा पेंशन योजना में एक बदलाव किया है और वो बदलाव क्या है वो इस वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं। दोस्तों विधवा पेंशन योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं और वो बदलाव क्या है जान लीजिए। सीएम ने बताया कि विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आय मानदंडों में बदलाव कर और 60 वर्षों से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। देखिए दोस्तों समझिए, नई संशोधनों के अनुसार 60 साल की आयु पूरी करने के बाद महिला को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ मिलेगा। यानी कि किसी महिला को यदि विधवा पेंशन योजना से पेंशन मिल रही थी तो वो 60 साल तक मिलेगी और उसके बाद वो पेंशन वृद्धावस्था की जो पेंशन होती है उसमें चली जाएगी, यानी कि उनको बुढ़ापे की पेंशन मिलेगी विधवा पेंशन की बजाय। यानी कि 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद पात्र को विधवा की बजाय बुढ़ापा पेंशन में जोड़ा जाएगा। साथ ही 60 साल तक इसका विधवा पेंशन नाम रहेगा, इसके बाद ओल्ड एज पेंशन कहा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, वो जान लीजिए। ये जो विधवा पेंशन योजना है 60 साल के बाद बुढ़ापा पेंशन योजना तो हो जाएगी, लेकिन साथ ही यह योजना केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगी जिनकी सालाना आय सभी स्रोतों से यानी टोटल आमदनी उनकी मिलाकर कुल जो आय होगी वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी उनको वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।